पेनल्टी, ओ क्लच गॉड, तरीका है उसी से डाउन करने की कोशिश, बट के जस्ट सामने खिलाड़ी मौजूद है टॉमी, वो फिनिश में निकालते हुए नजर आएंगे। आदित्य अलग लेवल पे खेलते हो आदित्य, क्या बात आदित्य, आज फॉर्म आई है, ज़ैपी डाउन, प्रो भी डाउन, आई को सोल वो गिव अप नहीं कर रहे। एडमिनो आप कहां जा रहे, रास्ता बदला, एडमिनो ने यहां पे फंसते हुए नजर आए, बट वो जॉनाथन को टेक डाउन किया जाएगा। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल, रखेगा न्यूशन का जी। और गॉडलाइक की बात करें, वो थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच के साथ जो प्लेयर्स उनको स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, जेली उनका स्प्रे जाएगा, रीडॉक्स को थोड़ा लो ऑन एचपी किया, लेकिन अब जेली की भी पोजीशनिंग रिवील्ड है और एक तरीके से वो हर तरफ से फंस चुके हैं। आप मिनी मैप में देखिए, हर दिशा से जो खिलाड़ी है वो कन्वर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। जेली के ऊपर शॉट्स भी दिए जाएंगे, डैमेज दिया जाएगा और इसी के साथ जेली डाउन। Another game, another day, same old story coming up from players. उन्होंने यहाँ पे अपने TBS में शिफ्ट किया है, क्या वो यहाँ पे नॉक निकाल पाएंगे या फिर से वही प्लान कि आपने शुरुआत तो करी फाइट की बट अंजाम आप नहीं देना चाहते। प्लेयर्स निकला, बट ये स्प्रे तो देखिए साहिल का शानदार, वो स्प्रे था, मैक बाल बाल बचे हैं। एक इसकी जो फाइट है वो देखने को मिल रही है और वहां पे आईकू सोल के साथ एक मुठभेड़ होती हुई, एक खिलाड़ी को डाउन किया गया है मान्या को। वहीं गुजरात टाइगर्स की बात करें तो उनके ऊपर भी एक नॉक आया और अब रॉनी आए हैं रिवाइव करने के लिए। कंधों पे उठाया है, व्हीकल में क्या वो बिठाएंगे, जी हाँ व्हीकल में बिठाया भी और अपने साथी को यहां से बचा के ले जाने की कोशिश। कवर फायर बहुत बड़ी आ रहा है, डैमेज बहुत ज्यादा है, क्या ये व्हीकल बस्ट होगा, जी हाँ एक के बदले दो, शैडो का वो स्प्रे, क्या वो एक स्लैमिन देने की कोशिश करेंगे और जिस हिसाब से वो मूव कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि स्लैमिन देने के लिए आ चुके हैं और अब एक 2v4 की सिचुएशन रहने वाली आईकू सोल के सामने। ये बस देखना ये है कि क्या वो लेकर के जा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य वो डीएस की मुश्किलें बढ़ाएंगे। देखिए अभी भी वो फाइट चलती हुई, डीएस चेस कर रहे हैं गॉडलाइक को, इट सीम्स लाइक दैट, बट सोल के एस पावर थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर, वो बाहर गए, उनको नॉक करना चाहेगा शैडो, ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल नकुल। अब आखिरी उम्मीद, आखिरी खिलाड़ी विक्सकी का ये नेट सही जगह जाएगा, क्या डैमेज मिलेगा, अभी के लिए तो नहीं, नकुल अभी भी सर्वाइव करते हुए बट क्लच कॉट जाएंगे, कोई डर नहीं है, निडर होके ये प्लेयर ऊपर गया। चलिए नकुल ने एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया, ऊपर जाना पड़ेगा वरना खत्म कर देंगे यहाँ पे प्लेयर। बड़ी गलती, ओ क्लच कॉट, ये क्या हुआ, टीम में मिसकम्युनिकेशन, वहां पे उस प्लेयर को गवाना नहीं चाहिए था। इधर आदित्य, क्या बात है आदित्य, उन्होंने दो प्लेयर्स को डाउन किया, एक रिवाइवल जरूर मिला था, एक फिनिश यहाँ पे बटोरेंगे, अद्भुत अविश्वसनीय आदित्य। बस आया जरूर है बट डीएस के खिलाड़ियों को भी सेम जो तरीका है उसी से डाउन करने की कोशिश, उनके जस्ट सामने खिलाड़ी मौजूद है टॉमी, वो फिनिश में निकालते हुए नजर आएंगे। रिटेलिएशन आया जरूर जॉनाथन का, अब मात्र दो खिलाड़ी बचे हैं टीम गॉडलाइक के, दो ही बचेंगे डीएस के, दोनों तरफ से आखिरकार जीत होगी किसकी, रीडॉक्स वो व्हीकल लेके अपनी पोजीशन चेंज जरूर कर रहे हैं, जॉनाथन वो आगे जाएंगे, एक बढ़िया शॉट आएगा, रीडॉक्स को डाउन किया गया और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं डीएस के, जॉनाथन वो आगे बढ़ रहे हैं और वहां पे एक और बाउंस जॉनाथन के लिए, एक 1v1 की सिचुएशन, डीबीएस का एक्शन, बट वो जॉनाथन को टेक डाउन किया जाएगा। This is just unbelievable stuff happening. यहाँ मुश्किलें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस प्रकार से रहने वाली है। वाइट स्कल्स की बात करें तो फीनिक्स को डाउन किया जाएगा और FS की स्क्वाड वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट देखने को मिल रही है। टीम कार्निवल गेमिंग, अब उनकी फाइट हमें गॉड्स रेन के साथ देखने को मिल जाएगी और ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फाइट, एक नॉक वहाँ पे निकाला जरूर गया, डेस्ट्रो को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ करने की कोशिश, बट रिटेलिएशन में कुछ हेक्टर ने डेस्ट्रो को फिनिश किया। दूसरी तरफ FS की आरू, मुश्किलें उनकी भी बढ़ेंगी, बट निंजा जॉर्ड वो रैम्पेज पे, ये खिलाड़ी वो रुकने का नाम लेगा नहीं और अब यहाँ पे बमबारी चलती हुई, गॉब्लिन को टेक डाउन किया गया है। बहुत ज्यादा मुश्किल कार्निवल गेमिंग के लिए इस विषम स्थिति से बाहर निकल पाना, क्योंकि अब बचते हैं मात्र दो खिलाड़ी और सर्कल अब मिला यहाँ पे गॉब्लिन को, कोशिश की जाएगी, उनको फाइट वो लेनी पड़ेगी। और आप देखिए साउथ वेस्टर्न साइड में कितनी सारी टीम्स देखने को मिल रही हैं, बट अब कार्निवल गेमिंग अगर उनको पहुंचना है लैन के अंदर, अगर उनको पहुंचना है फाइनल्स में, तो ये फाइट जीतना बहुत जरूरी, यहाँ पे फिनिशेस निकालना बहुत जरूरी, आगे जाने की कोशिश, गॉब्लिन को टेक डाउन किया जाएगा। कार्निवल गेमिंग मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई और यहाँ से होगा नहीं, वहां पे एक्सपाक ने उनको जांच लिया है, परख लिया है और शॉट्स देते हुए एक्सपाक के प्लेयर्स, बट निंजा जॉर्ड को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। टीम तमिलास का डायरेक्ट क्या स्लैमिन आता हुआ और क्या वो इस फाइट को जीतेंगे, बट स्प्रे गॉट दैट स्प्रे, दैट शॉट वाज गुड, बट गई ना गई टीम तमिलास, वो यहाँ पे इस फाइट को तो जरूर जीतेंगे बट ये जंग शायद ना जीत पाए। राइट बाय बाय इसकी कोशिश यहाँ पे की जाती हुई बहुत ज्यादा, और जैसा आप कह रहे थे विषम परिस्थितियों का सामना अब हाइड्रा को भी करना पड़ रहा है। यहाँ शॉट्स वहां पे लिए गए, सोमराज वहां पे आएंगे और आप अग्रेशन देखिए, हालांकि पीछे से भी शॉट्स आ जरूर रहे सोमराज के ऊपर, उनको टेक डाउन किया जाएगा। बुकार की बात करें वो भी डाउन, और देखिए एक कारण है कि ये सारी भी पता है कि फिनिशेस ज्यादा निकालेंगे तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन उनके लिए रहेगा, टीम एंटिटी सर्कल के अंदर तो उनकी जाने की कोशिश जरूर रहेगी, बट चलिए
पर जिस चीज की मैंने बात की कि अगर आप चाहते हैं 2 लाख रुपए तक अपना बनाना तो आप जरूर से जा सकते हैं अमेज़न पे, सर्च कीजिए आईक्यू नियो 9 प्रो और वहां पे जो पहला लिंक है उस पर टैप कीजिए, प्ले कीजिए और आप जीत सकते हैं 2 लाख तक के इनाम। बट अभी के लिए जो चिकन डिनर है वो जीतती हुई नजर आ रही है टीम रेवरेंट, क्योंकि बचेंगे मात्र एक खिलाड़ी संयम, और संयम चाहे कितना भी संयम बरत ले एक 1v3 की सिचुएशन उनके सामने मौजूद है। और नजर डालते हैं कि बाकी टीम्स ने किस तरह का प्रदर्शन किया। रेवेनेंट का तो हमको पता चल चुका है कि 22। अब दूसरे पेज की तरफ नजर डालते हैं कि बाकी टीम्स का प्रदर्शन कैसा रहा। टीम तबलास जैसे हमने बात की है, मिरामार की प्लेन पाथ वर्सेस गुजरात टाइगर्स, ये मैक्स पार्क स्प्रे गॉड गाड़ी लेके, उनको भी पता है कि माउंटेन पे जाना चाहते हैं, और ये आया बदलाव सरप्राइज अटैक स्प्रे गॉट डाउन, वो क्लोज फाइट में आ चुके हैं जो एक फाइट स्टार्ट हुई थी उस माउंटेन के साथ, इसी में बीच जाएंगे काफी आसानी से नॉक किया जाएगा समाप्त, काफी ज्यादा इस पर उन्होंने अटेन किया आदित्य, वो भी यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए जॉनाथन, नेट उन्होंने डाला है क्या कनेक्शन मिलेगा उधर, तो चेली का कवर आएगा, जॉनाथन का स्प्रे यहाँ पे लाजवाब तरीके से इस बार कनेक्शन ढूंढेगा, इस बार नॉक जो प्लेयर थे उनको फिनिश किया जाएगा, एक और नेट जॉनाथन की तरफ से मिडल डाउन द रेंज डिसएडवांटेज में फंसते हुए एक और नॉक जॉनाथन, सेंसे को भी वहां पे डाउन किया जा चुका है जॉनाथन की तरफ से, मल्टीपल ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ये ग्रेनेड थोड़ा खतरनाक साबित होने वाला है, जी हाँ खतरनाक साबित हुआ है, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, मात्र एचपी में वो बचे हुए इनको वहां पे समाप्त करना चाहेंगे, अच्छा स्मोक वहां पे किया तो है जिससे रिवाइवल के वो चांस बन सकते हैं, लेकिन सर्कल है और जोन के अंदर जाना अब यहां पे जरूरी बन जाता है टीम गॉडलाइक के लिए करते हैं, और बाकी प्लेयर्स को कहा गया है कि आप निकलिए, कार्निवल गेमिंग जोन के बाहर फंस चुके हैं और उनके साथ ही उनके खिलाफ यहां पे रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स की टीम देखने को मिलती है ओमेगा, क्या वो यहां पे देर रुक पाएंगे, ज्यादा देर नहीं, यही जवाब का इंतजार यहाँ पे कर रहे थे आदित्य, बने वो प्लेयर जो ओमेगा को डाउन करेंगे, बट गॉडलाइक अभी भी जोन के अंदर जगह बनी नहीं है, मल्टीपल फाइट्स होती है, आदित्य टेक्स अनदर वन डाउन यहाँ पे, आदित्य अलग लेवल पे खेलते हो आदित्य, क्या बात आदित्य आज फॉर्म आई है, आज लाजवाब तरीके से नॉक्स निकालते हुए, बट आखिरी में प्लेयर्स ने उनको डाउन किया, जाना पड़ेगा चौथा सर्कल 1v1 की ये कंपटीशन प्लेयर्स सामने, एंड लीच ये प्लेयर्स को करेंगे समाप्त, एक को मिलेगा, वहीं अगर ओवर की बात की जाए ये कमबैक का गेम इनका भी हो सकता है, बट कमबैक की हम बात कर ही रहे हैं तो ये टीम करती हुई आज एक शानदार कमबैक, पहला मैच इतना कुछ खास किया नहीं बट दूसरे मैच में चली 6 फिनिशेस जरूर हैं, बट अभी कार्य खत्म हुआ नहीं है, मेडल हार मानने को तैयार नहीं है अभी के लिए, टेबल टॉपर्स है, बहुत बेहतरीन है, जॉनाथन अटैक करने की कोशिश करेंगे बट मेडल उनका सफाया, नो फ्रैग्स, अद्भुत अविश्वसनीय आदित्य कमाल करते हुए, बट अभी जोन में जाना एक टास्क, जोन में जाना एक टारगेट, और ओआर रोकते हुए गॉडलाइक को जल्दी, तो यहाँ पे बात करें उनका आना नामुमकिन हो चुका है, प्लीज उनके बारे में देखने को मिलेंगे, और एडमिन का शॉट बिल्कुल ऑन पॉइंट, मैक ऑफ लाल वहां पे डाउन करने में कामयाब हुए जो कि आइको की सोल की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, जॉनाथन को भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, ऐसे में टीम गॉडलाइक जो एक मोमेंटम यहाँ पे पकड़े थे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, जॉनाथन को अपने ब्लास्ट से मुश्किल में डालेंगे नकुल, कुल मिला के जो एक मोमेंटम आया था वो अब हाथ से जाता हुआ 20 वहां पे ग्रेनेड करेंगे आदित्य के ऊपर, ओआर के जैप को फिलहाल वहां पे डाउन करेंगे, ओआर का भी वो कमबैक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, कोशिशें बहुत कमाल की चल रही है लेकिन अब जाके मुश्किलें बढ़ती हुई है, एस पावर एडमिनों को डाउन करेंगे, जैप को समाप्त भी किया जा चुका है ओआर की टीम, तो ओपन से आते ही आईक्यू सोल को क्लियरली देख सकते हैं, स्कल्स की लाइनअप भी है, बट क्या यहाँ पे आईक्यू सोल अपना राह ढूंढ पाएगी, यहाँ पे करते हैं वो लाजवाब था, बट अब जोन के अंदर जाना पड़ेगा और लड़ते लड़ते ही जाना पड़ेगा आईक्यू सोल को, बचे हुए 2 खिलाड़ी एंटिटी के वो भी चाहेंगे नहीं कि सामने जो खिलाड़ी आ रहे उन्हें आने दिया जाए, लुसिफर को स्पॉट किया गया सर्कल के बाहर ही, उन्हें समाप्त किया जाएगा, 20 भी उनकी भी पोजीशन रिवील शायद हो चुकी है, आईक्यू सोल भी वहां पे स्प्रे करते हुए हमें देखने को मिलेंगे, दोनों पोजीशन रिवील तो जरूर है लेकिन उनके पास वो कवर है, वो बगी के पीछे प्रोन है जहां पे रॉनी के लिए आसान होगा नहीं, और रोशकिल की सर्कल अब इनसे दूर जा चुका है, बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ रॉनी को, फॉर द चिकन डिनर, जी हाँ रोनी यहाँ पे सोन के अंदर आ रहे हैं, मैं देख ही रहा था वो ओपन में से आया, उनको नॉक करा गया, कमला बॉय वो प्लेयर बने जिन्होंने वो हुए, क्या वो यहाँ से एक चिकन निकाल पाएंगे, पोजीशन उनकी रही है, पिछले मैच की कहानी क्या क्या हुई जो कि हमारा ये रहने वाला मैच स्टैंडिंग, कुल मिला के आप देखेंगे कि जो बाकी की बची हुई 12 टीम्स हैं उनका प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है, स्कल्ट्स भी कल के दिन पे बहुत सारे ड्रॉप क्लैशेस हुए थे तो देख रहे हैं तो आगे कौन बढ़ता हुआ कंपलसरी है, अगर वो इस फाइट को हारते हैं बहुत सारे सवालिया निशान उनके ऊपर खड़े रहेंगे, और एडमिन वो सबसे आगे जाएंगे, बट व्हाट क्या बेहतरीन डीपीएस एक्शन, इनफैक्ट S12 के का एक्शन आएगा, 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन किया ओआर ईस्पोर्ट्स, वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे जरूर, क्या है एंड नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू अ 2v2, बट निंजा जॉर्ड वो रिवाइवल देना चाहते हैं, जैप की बात करें वो नीचे मौजूद अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, वो एक खिलाड़ी जो थोड़ा इंटेल दे रहा था उसको भी डाउन करेंगे, बट निंजा जॉर्ड आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी, और वही जीत जाते तो इस बार मैं गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स का नाम लूंगा, देखता हूं क्या होता है सही में,
जीते या फिर नहीं, बट इंजर जॉर्ड यहाँ पे नॉक हुए, एक अच्छा मैच इनके लिए जा रहा था। सब व्हीकल उठाया और इंस्टेंटली वो बैक ऑफ करते हुए नजर आएंगे, पता उनको चल चुका है कि यहाँ पे खिलाड़ी और उनके ऊपर भी शॉट्स लिए जा रहे हैं, लिया जाएगा। लेकिन एक्स पार्क निंजा जॉर्ड को गंवाने के बाद थोड़ा सा संभल के है, बट फाइनली वहां पे एक नॉक निकाले जाएगा जहां पे आप देखिए चारों तरफ से घेरा जा चुका है। लेकिन ऐसे में ड्रीम्स के ऊपर तीन खिलाड़ियों का प्रहार हो सकता है, थोड़ा बच के रहने की जरूरत रहेगी, थोड़ा कवर में जाने की जरूरत रहेगी ड्रीम्स को। थोड़ा करीब पहुंचे वो अपने बाकी के दो टीममेट्स में, लेकिन व्हाट वो डीपीएस लेके इतना अग्रेसिवली ऊपर जाएंगे और इंस्टेंटली वो नॉक फिनिश करते हुए नजर आएंगे। टीएस की मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी यहां पे, गॉडेक्स आए जरूर से डैमेज देने की कोशिश, बट साहिल उनको भी टेक डाउन की जगह टाइम फॉर यू के द्वारा, और देखते ही देखते टीएस बहुत ज्यादा मुश्किलों में। वही दूसरी तरफ जॉनसन की बात करें, उनको टेक डाउन किया जरूर किया, बट प्रे गॉड बहुत किया, खिलाड़ी को डैमेज दिया है। एक और डीबीएस का प्रहार और डीएस लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन जज आउट को गवाया गया। सारे खिलाड़ी डीबीएस के साथ अंधाधुन फायर करते हुए, इसी के साथ ग्रेनेड किया जरूर से गया था तो। और देखते देखते टीम एक्स पार्क क्या उनका खात्मा हो गया, एक एक करके प्लेयर्स वहां पे फिनिश हुए जरूर हैं। कार्निवल गेमिंग अब उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी, आदित्य उन्होंने ओमेगा को नॉक किया जरूर, और कार्निवल गेमिंग के लिए ये एक मस्ट विन मुकाबला है। कार्निवल गेमिंग के गॉब्लिन को भी टेक डाउन किया जाएगा, ये एक और खराब मुकाबला, कार्निवल गेमिंग को वो रीसेट करना ही पड़ेगा अब यहां से। जी हाँ, बट आप देखिए मैक का ग्रेनेड रिस्की जरूर था, लेकिन रिवॉर्ड मिलता हुआ कार्निवल गेमिंग इस मुकाबले से बाहर कर दिए जाएंगे। टोनी को काफी ज्यादा डैमेज दिया गया है, बट अभी भी सर्कल के अंदर जाना रहेगा इन दोनों ही टीम्स को। जी हाँ, सर्कल में जाना आई थिंक ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्प्रे जरूर से यहाँ पे चली की तरफ से हमें बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। जॉनसन को भी यहाँ पे टेक डाउन किया जा चुका है, चली की भी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो जाएगी, और पीछे से रेवेनेंट आने वाले थे इस बार। देख के अच्छा लग रहा है कि आइकू सोल का जो अप्रोच है ना वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नहीं जा रहे, उनको भी पता है कि यहां से बस उनको मैचेस जीतने और वो जीतने के लिए खेल रहे। भाई दूसरी तरफ हो चुके हैं और अब मात्र एक खिलाड़ी, चलिए उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा, और टीम गॉड लाइक उनका भी सफाया। वही टीम आईकू सोल इस मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार वो बनते हुए नजर आएंगे। आरू भी यहाँ पे ट्राई कर रहे धीरे धीरे करके सर्कल में जा, लेकिन इनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो सकती है। टीम तविलास के सामने हो गई रिवील, स्प्रे किया जाएगा, डैमेज दिया जाएगा। अब एफएस से बात करें, टीम तविलास से आप बच तो जरूर जाएंगे, लेकिन आईकू सोल से बचेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही एंगल पे इनके पास मात्र ये बाउंड्री वॉल है जिसके पीछे फिलहाल वो छुपे हुए, लेकिन उसके बाद जब सामने आप लेके जाएंगे तो फिर कंटेनर से जिसका फायदा ऑलरेडी आईकू सोल उठा रहे, खिलाड़ी को यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा। मेंटी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, और उसी के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन मिस्टर आईजेल को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा। देखने वाली बात रही क्या एक क्लच की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए। जी हाँ, सारे मैन के एडवांटेज है जरूर, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप आईकू सोल की बात करें वो कमबैक बहुत बेहतर करना चाहते हैं, बट टीम तविलास की बात करें वो भी पीछे है नहीं, तीन खिलाड़ियों को वहां पे नॉक किया गया और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं रॉनी, उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारियां रहने वाली है। टीम तविलास की बात करें, हीलिंग उनके पास है नहीं, फॉक्स ओपी वो दूसरी तरफ, एक भी फर्स्ट एड उनके पास है नहीं, और वो रिवाइव व्हाट वो रिवाइव देने की एक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी दरकार है एक फर्स्ट एड की। भाई रॉनी की बात करें, क्या वो रिवाइवल के लिए जा रहे हैं, वो नॉक खिलाड़ी सारी इंटेल दे रहा है रॉनी को कि प्लेयर मौजूद कहां पर है। फॉक्स वो फिनिश करना चाहते जरूर है, पांच बुलेट्स बची हैं अभी भी उनके पास। रॉनी की बात करें, उनके पास हेल्थ ज्यादा, लेकिन देखते हैं कि जीतेगा कौन की तरफ, और देखेंगे पिछले मुकाबले में कौन सी टीम कितने अंक लेकर के गई है जहां पे सबसे अव्वल देखने को। अभी के लिए दूसरे पेज पे यहां पे चलते हैं, एंड आई फील के हर मैच के साथ चलते हैं वीकेंडी की बर्फील। कार्निवल गेमिंग काफी ज्यादा पीछे और ऑलरेडी वेपन मिल चुके हैं कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स को, ऐसे ही एक मुकाबले की शुरुआत उनको करनी भी थी, और अब क्लच मास्टर के कंधे पे जिम्मेदारी। क्लच गॉड वहां पे आएंगे, वो गॉब्लिन को डाउन करेंगे, फिनिश भी करते हुए नजर आएंगे कार्निवल गेमिंग, उनको ये फिनिश निकालना ही पड़ेगा। एमजे चलिए फाइनली उनको टेक डाउन किया जरूर गया है, जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। ये तो अलग ही लेवल का वो जो कंपटीशन है वो देखने को मिलने वाला है, बट इसी बीच गॉड ट्रेन की जो फाइट है वो स्टार्ट हो जाएगी टीम ब्लाइंड से, और जैसे कि आपने बोला टीम ब्लाइंड इनसेन रश करते हुए नजर आएंगे। जस्टिन को वहां पे टेक डाउन किया जरूर से है, गॉड्स रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट फाइट बन सकती है, बट ओपन में गए डेल्टा पीजी, उनके ऊपर शॉट्स आएंगे, उनको टेक डाउन किया जाएगा एफएस के आरू के द्वारा। हर तरफ से प्रहार, बट डेल्टा पीजी का वो ग्रेनेड हिट तो करेगा, उसी को टेक डाउन किया गया टीम ब्लाइंड के पास। अभी भी मौका, हर्ष वो स्नीक इन करेंगे, टेस्ट रो बचते आखिरी खिलाड़ी, और यहां पर पूरी स्क्वाड का एलिमिनेशन, ब्लाइंड के खाते में जाएंगे तीन, आरू के पास एक, और शायद एफएस का वो जो पुश है वो भी आने वाला है। लेकिन कुछ शुरू करेंगे, डार्क लॉर्ड आतंकी को खत्म करेंगे। एफएस यहाँ पे मन तो बनाया उन्होंने अटैक करने का, बट के काम आएगा। चलिए डार्क लॉर्ड को डाउन किया गया है, डायनोसिस एक नेड के समय बनता हुआ, क्या ब्लाइंड इस बार भी एक और फाइट को जीतेंगे। जी हाँ, हर्ष का एक नेड आएगा, सीक्रेट को करा जाएगा डाउन, एक 2v1 सिचुएशन में यहाँ पे सिनेरियो बन चुका है, माफ कीजिएगा 2v2 सिनेरियो यहाँ पे बन चुका है। आदि और हर्ष जरूर जा रहे हैं, हर्ष एक कोशिश कर रहे हैं रिवाइवल देने की, ये एमवीपी खिलाड़ी है,
वहीं दूसरी तरफ गॉडलाइक की बात करें, मैक वो बचते आखिरी खिलाड़ी, एक 1v3 की सिचुएशन रहने वाली, एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया जरूर है, इस डबल बैरल शॉटगन के साथ वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर करते हुए नजर आएंगे, पर ज्यादा देर तक वो सब डाउन द रिप जा चुके हैं। डार्क लॉर्ड पोजीशन उनकी रिवील, सर्वाइव करने की कोशिश इधर एफएस की तरफ से, दोनों प्लेयर्स वो फिनिशेस निकालना चाहते हैं यहाँ पे, वो आक्रमण किया, एक रिस्की मूव था ब्लाइंड जैसी टीम के ऊपर, बट मुश्किल में डाला अभी भी साइड में यहाँ पे प्लेयर, बट एक स्प्रे दो शिकार डायनोसिस, क्या बात उनकी, क्या लाजवाब स्प्रे, एंगल बहुत अच्छा बनाया था वहां पे ब्लाइंड के प्लेयर्स ने, कर रहे हैं उनको फिनिश भी करेंगे, बट ब्लाइंड के लिए केवल एक प्लेयर बचता हुआ और वो अभी भी फाइट लेना चाहेंगे, बट पीछे से एंटिटी का भी यहाँ पे स्प्रे आएगा। रेवेनेंट के एलिमिनेशन 12वें पायदान पे, बट हाइकू सोल वो रुकने का नाम लेंगे नहीं, एक और नॉक वहां पे निकाला गया है, इनफैक्ट ओमेगा वो थे जिन्होंने एक नॉक निकाला है, और अब नियो वो जो फिनिशेस का खाता है वो और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है ये आईकू सोल का चिकन हो सकता है यहाँ पे एंकी, बिकॉज उनके पास अभी ग्राउंड का एडवांटेज है, बट अगर ऐसे ओपन में जाएंगे तो एडवांटेज नहीं रहेगा, वो स्मोक नहीं किया था सीधा ओपन में प्लेयर्स चले गए, वहां पर नकुल रिवाइवल चाहेंगे, इधर स्प्रे गॉड को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा, ओआर के एडमिनो वो थे जिन्होंने ये नॉक निकाला, कार्निवल गेमिंग ने एक अलग ही पोजीशन यहाँ पे हासिल करी है। चलिए ओमेगा को डाउन किया गया आईकू के सोल मानिया की तरफ से, टाइगर्स के विक्स की वो भी एक चुनौती हो सकती है, और आप देखिए शैडो और विक्स की के बीच में कितना बड़ा फासला है, स्मोक करके आईकू सोल आगे आना चाहते हैं, न्यू ने वहां पे मानिया को टेक डाउन किया, देखना ये देखा कितने सारे स्मोक्स उन्होंने पानी के आसपास वाली जगह पे डाले, ओमेगा अभी भी वो सर्वाइव है एंड सर्वाइव कर रहे हैं, टीम एक्सपर्ट के प्लेयर्स भी वहीं पे है। देखिए अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देख पाए तो मुझे लग रहा है कि ओआर इस मुकाबले में चिकन डिनर तो निकाल रही है, बस देखना ये कि फिनिशेज उनके पास कितने ज्यादा जाने वाले, नियो वो एक और फिनिश अपने खाते में करते हुए नजर आएंगे, वहीं ओआर के प्रो वो हर तरफ में हर दिशा में जितने भी प्लेयर्स दिख रहे हैं उन सबकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, इस पावर का वो ग्रेनेड ओमेगा को डाउन करेगा, मानिया वो फिनिश का कंफर्मेशन निकालेंगे, और आईकू सोल पूरी तरीके से कार्निवल गेमिंग को डिस्ट्रक्ट करते हुए नजर आएंगे, चारों खिलाड़ी अभी भी शेष, ये कैसे इकलौते खिलाड़ी है जो कार्निवल गेमिंग के अभी भी सर्वाइव करे, बट ओआर ईस्पोर्ट्स उनके में चिकन डिनर जा सकता है, ज़ैप वो ओपनिंग नॉक निकालेंगे, मान्या को टेक डाउन किया गया, बट इन सब के बीच में हेक्टर वो हील बैटल करते हुए, देखिए हेक्टर वहां पे जरूर कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स को देख पा रहे होंगे और वहां पे शॉट्स वो जरूर दे सकते हैं, बट देखने वाली बात ये बन जाती है कि ओआर के प्रो क्या वो अलग एंगल से जाएंगे, नेट्स की बारिश अभी भी होती है, प्रो यहां पे डाउन किया जाएगा, ज़ैप भी डाउन, प्रो भी डाउन, आईकू सोल वो गिव अप नहीं कर रहे, वो हार नहीं मान रहे, वो जीत की कगार पे, और अब उनके पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज हुए। क्या कार्निवल गेमिंग यहाँ पे कुछ गेम चेंजर कर सकते हैं, क्या वो लेकर के जाएंगे एक अविश्वसनीय चिकन डिनर, क्योंकि आईकू सोल वो तो रुकने का नाम ले नहीं रहे, एडमिनो को भी वहां पे टेक डाउन किया, और देखते ही देखते ओआर की पूरी स्क्वाड के एलिमिनेशन, आईकू सोल क्या बेहतरीन गेम प्ले, बट नियो वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार है नहीं, एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर बट बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, हेक्टर वो साथ उनका दे नहीं सकते, वो ऑलरेडी सर्कल के बाहर है, हील बैटल करने की आवश्यकता उनके लिए रहने वाली है, हेक्टर वो एक नॉक निकालेंगे जरूर लेकिन वो कंफर्मेशन आएगा नहीं, और निकाले हैं लास्ट मैच में जैसा हमने देखा आईकू सोल सबसे बेहतर करके गए, टोटल पे नजर डालते हैं बाकी टीम्स के ऊपर, बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा फियर्स हो चुकी है, चलते हैं इस टूर्नामेंट टीम्स, मान्या तो कह ही चुके हैं मुझे काफी ज्यादा पीछे जा चुके, बट ये फाइट जो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा टाइम लेगा, जी नहीं ये फाइट तो स्टार्ट हो गया, इनिशियल डैमेज बहुत ही ज्यादा कमाल का आसान है, कि आप एचपी देखे बहुत क्लोज था, कुछ और बुलेट अगर वहां पे कनेक्ट कराते तो शायद वो नॉकआउट भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता था, और ये ग्रेनेड क्या निंजा जॉट के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्लच गॉड भी वहां पे बात करें तो पोजीशन ले चुके हैं, लेकिन गुजरात टाइगर के शैडो को फिलहाल यहां पे नॉक भी किया जाएगा, खत्म भी किया जाएगा, एक थोड़ी जल्दबाजी का यहां पे कारण बनते हुए नजर आए ड्रीम्स, अब यहां पे पुश क्लच गॉड की पोजीशन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारंग की बात करें तो उन्हें यहां पे समाप्त करने की कोशिश की जाएगी और कामयाब भी हो जाएंगे, सारंग के बिल्कुल सामने जा चुके हैं, और ये बहुत बुरी खबर है क्लच गॉड के लिए क्योंकि बैकअप उनके पास नहीं है, लेकिन क्लच गॉड के पास एक कमाल का एंगल है, यहां पे नॉकआउट किया जा सकता है, शॉट लेंगे बट उनके पास गन भी उतनी ज्यादा बेटर थी और इसी के कारण क्लच गॉड वहां पे डाउन हो गया, और उन्हें बेहतर हम करने वाले रॉनी की बात की जाए तो हाइड्रा के व्हीकल को स्पॉट किया गया, देखा वो सिलसिला स्टार्ट होता हुआ डैमेज दिया गया ब्लास्ट होने से पहले, खिलाड़ियों को डाउन करेंगे, कमाल का कंट्रोल, एक खिलाड़ी आई थिंक वहां पे डाउन है जिन्हें समाप्त भी कर दिया जाएगा, के लिए बहुत बुरी खबर बट एट द सेम टाइम ओवर वर्सेस रेवेनेंट जहां पे फियर्स को टेक डाउन कर दिया गया है, मान्या वहां पे लीड करते हुए, उधर बाकी खिलाड़ी यहां पे कवर देना जरूर चाहेंगे, हाइड्रा के प्लेयर्स वो थोड़ा सा दूरी पे है, चलिए स्पर्श को भी यहां पे डाउन किया जाएगा, स्प्रे जल्दी हमें यहां पे आता हुआ देखने को मिल चुका है, स्प्रे गॉड की बात करें तो एक ग्रेनेड यहां पे पिन आउट किए थ्रो किया जाएगा, मल्टीपल ग्रेनेड्स करने का वो एक ओप की बात करें ये ग्रेनेड और ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता है आईकू सोल के लिए, बट उससे पहली टीम रहेगी जो कि सर्कल के एक अच्छे हिस्से में जाएंगे, कार्निवल गेमिंग काफी ज्यादा खुश होंगे क्योंकि सर्कल का सेंटर है उनके पास, बट एमजे
अपर ग्राउंड को चैलेंज करने के, जहां पे उन्हें नॉक आउट किया गया काफी आसानी से, उन्हें वहां पे फिनिश भी कर दिया जाएगा, बट साथ ही साथ लूसिफर ने नियो को नॉक किया। नियो वहां पे अपने आप को हील कर रहे थे, फर्स्ट एड पॉप किया था उन्होंने, बट वो कवर में थे नहीं। बट यहीं पे विक्स की अगर बात की जाए, वो अटैक करते हुए ओमेगा के ऊपर, उनके पास M249 जरूर, कोशिश जरूर थी, बट ओमेगा कैप्टन मुझे लगता है सर्कल बन सकता है, बट वहाँ पे जली की जो गाड़ी है वो ऑलरेडी काफी ढामे थे। बट एडमिनो आप कहाँ जा रहे हैं, रास्ता बदला एडमिनो ने, यहाँ पे फंसते हुए नजर आए, नॉक होने की संभावना है बहुत ज्यादा, और वहाँ नॉक निकालना चाहिए था, बट पीछे से ब्लाइंड का आगमन यहाँ पे आता हुआ, प्रो नॉक करेंगे जोनाथन को, पूरा खेल पलट गया। आदित्य वो आज बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, एक प्लेयर को डाउन करेंगे सामने और उनके चुनौती जरूर रहेगी, बट गोलियां खत्म होगी, रिलोड करने पे उनको आना पड़ेगा सामने, अंदर जाएंगे एक और प्लेयर को नॉक करने का मौका, बट मिस करेंगे ओआर, वो यहां पे इस फाइट के अंदर अचानक एंट्री मारते हुए, और जेली जो आखिरी प्लेयर बचे थे वो भी शिकार होंगे टीम ब्लाइंड का। 350 मीटर वो डिस्टेंस है, बट ये 350 मीटर डिस्टेंस ही इनके ऊपर कहीं भारी ना पड़ जाए। प्रो की बात करें, स्किप्स को वहां पे डाउन करके आदि जाएंगे काफी आसानी से, जैप को वहां पे डाउन करके समाप्त किया जाएगा काफी अच्छे तरीके से। आदि आगे बढ़ रहे हैं अपने टीममेट के साथ, लेकिन अब सिचुएशन की बात करें वो 1v2 का हो चुका है, ब्लाइंड के पास मौका है कि काफी आसानी से इस फाइट को जीते और यहां से आगे बढ़ जाए। बड़ी अच्छा चैलेंज सामने से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है ओआर के प्रो की तरफ से, टीपीएस का कनेक्शन एक लड़ी को यहां पे डाउन करेंगे, और उसके बाद काफी आसानी से 1v2 करने में ब्लाइंड को इस मुकाबले से, उनका भी यहां पे कार्यक्रम समाप्त होता हुआ मिरामार में। जी हाँ, उनका भी सफर यहाँ पे समाप्त होता हुआ, रॉनी को फिलहाल यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा पैराडॉक्स की तरफ से, पैराडॉक्स के पास जो हाइट का एडवांटेज है उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे, क्योंकि देखिए सर्कल भी है इनके पास, कहीं जाने की फिलहाल आवश्यकता है नहीं, बट अपने राइट साइड का पूरा पूरा एडवांटेज यहाँ पे उठाना चाहते हैं फिलहाल। मान्या की बात करें, मल्टीपल ग्रेनेड्स और मल्टीपल स्मोक्स कर रहे ताकि रिवाइवल दे पाए सर्कल के बाहर वो डैमेज, लेकिन फाइनली एटलीस्ट वहाँ पे वो रिवाइवल का वहाँ पे मौका मिला तो जरूर। आइकोसोल के अगेंस्ट एक अच्छी फाइट, टीम तमिल लास्ट के भी खिलाड़ी एक एक करके खत्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे, एनकोर के अंदर चिकन निकालने की कोशिश करेंगे, तीन फिनिशर्स पावर निकाल चुके हैं, एनकोर को स्पॉट किया, लाजवाब तरीके से स्प्रे करेंगे, नॉक करेंगे वहां पे प्लेयर को, मैं देखना चाहूंगा कितनी जल्दी कितनी रफ्तार से। और बट कुल मिला के कार्निवल के लिए भी यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, सर्कल में जाना है मात्र दो खिलाड़ी, और सामने है टीएक्स के दो प्लेयर जिनके पास वो प्लेयर्स की बात करें एडवांटेज जरूर से रहने वाली, गॉब्लिन की बात करें आगे बढ़ेंगे वहां पे शॉट लेने का ट्राई करते हुए, ओमेगा ड्रीम्स को फिलहाल वहां पे डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, मुकाबले से बाहर किया जाएगा। हाल जवाब तरीके से कार्निवल गेमिंग यहां पे खेलते हुए, बट गॉब्लिन हर जगह से हर तरफ से उनके ऊपर स्प्रेज आते हुए, इस पावर खुद चले गए, ही इज ऑन फायर क्वाइट लिटरली राइट नाउ, मॉली में चले गए, नॉक हुए, बचाना थोड़ा मुश्किल, इस पावर को खत्म करेगा रॉनी के कंधों पे काफी ज्यादा भार, और वो ट्राई कर रहे, बट इन्होंने जिस तरीके से मौका बनाया गॉब्लिन ने यहाँ पे, जरूर से वो मौका इनके पास भी था, बट जिनके पास नंबर्स गेम का एडवांटेज था, अब वो एडवांटेज उनके पास रहा नहीं, और जोन के अंदर भी जाना है, इधर अगर देखा जाए डीएस के साहिल वो जरूर से रिकवर करने का वो ट्राई करेंगे, लेकिन रॉनी अब ये भी सर्कल के बाहर उठेंगे, स्प्रे करेंगे, कनेक्शन ऑन पॉइंट, नॉक करेंगे और तुरंत से अपने आप को अच्छे पोजीशन में लाने में कामयाब फिलहाल तो हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी प्लेयर है और तीसरी तरफ ये सर्कल है, और ये दो टीमें जिनके पास अगर आप नजर डालें डीएस के पास काफी अच्छा मौका इस मैच को विन, मैच स्टैंडिंग की तरफ, और देखते हैं कि कौन कितने अंक निकालने में कामयाब हुए हैं, तो वो डीएस रहेंगे जो बाकी की टीम्स ने कितने ज्यादा अंक निकाले हैं इस पर्टिकुलर मुकाबले से। एफएस की बात करें, अब जहां पे डिसाइड होगा कौन चैंपियन बनने वाले हैं और कौन वो 13 टीमें हमारे साथ उस लैन के सफर में जाएंगे। जी हाँ, इन चार दिन का मैच याद आता है जहाँ पे ऐसे ही कुछ क्लच गॉड थे और वो लास्ट सर्वाइव कर रहे थे, बट डेल्टा क्या यहाँ पे शॉट लेंगे, पहले खिलाड़ी को जाने दिया गया, दूसरे खिलाड़ी को दबोचा जाएगा, गॉब्लिन वो रहे जिन्हें यहाँ पे मैच से नॉक और कंफर्म करने में कामयाब हो चुके हैं, कितना स्मार्टली खेलते हैं डेल्टा, इन्होंने समझा कि पहले खिलाड़ी को ट्रेस करना वो गलत होगा, इसलिए इन्होंने रुका और दूसरे खिलाड़ी को नॉक भी कर, ये डिसाइडर हो सकती है। हालांकि मैं जनता को बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे भी वो क्वालिफाई नहीं होते तो लास्ट चांस क्वालिफायर्स में एक मौका और मिलेगा जहां से सर्कल में पहुंचा जाए, और अभी के लिए तो ब्लू जोन का थोड़ा डैमेज, बट ओमेगा कार्निवल गेमिंग के ओमेगा को टेक डाउन किया जाएगा, और परिस्थितियां और भी खराब होती हुई कार्निवल गेमिंग की। जी हाँ, सर्कल का एडवांटेज आई थिंक इनके पास है, लेकिन अगर इस तरीके से नॉक होंगे तो आप जरूर से अपने लक को अमेज़न में जाके आजमा सकते हो, लेकिन लक आजमाने के लिए गॉडलाइक भी आ चुके हैं इस फाइट की तरफ, जहां पे बात करें मैक एक 1v1 के सिचुएशन में पीछे से आप देखिए कंटिन्यूअसली कवर फायर में आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन डीपीएस की वो शॉट क्या कनेक्शन बना पाएंगे, जी नहीं, मैक को फिलहाल आप मैक की तरफ से चाहते हैं
वो फाइट बैक करना जानते हैं, बट मैक्स के ऊपर लगातार जो थ्रोएबल्स का प्रहार है वो किया जा रहा है। ये एक बेहतर ग्रेनेड जो फॉक्स ओपी की तरफ से आएगा, आदित्य को टेक डाउन किया गया। जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन और मैंटी का वो ग्रेनेड आदित्य को पूरी तरीके से फिनिश करते हुए अभी नजर आएगा। जॉनथन उनको क्लोज इन करना पड़ेगा, मैक को भी टेक डाउन किया गया। टीम गॉडलाइक एक एक करके ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आए और जेली के कंधों पे क्या यहाँ पे वो फाइट लेंगे या फिर वो पीछे जाएंगे। जॉनथन वो कोशिश तो कर रहे हैं फाइट को अवॉइड करने की, बट शॉट्स उनके ऊपर जा रहे हैं। डैमेज बहुत ज्यादा लिया और अभी भी सर्कल ना उनके फेवर में ना ही कोई और बात करे। अभी मुश्किल है इस ब्रिज को अभी भी क्रॉस कर पाना किसी भी टीम के लिए। चलिए टीम एक्स पार्क के सारंग वो हाइट के एडवांटेज से डीएस के प्लेयर्स को स्पॉट करेंगे। जॉनथन को भी वहां पे टेक डाउन किया गया है। ऑनकोर वो निंजा जॉट को डाउन करेंगे और देखते ही देखते टीम गॉड लाइक का सफाया देखने को मिल जाएगा। टीम कार्निवल के भी दो खिलाड़ी अभी भी हार मान नहीं रहे, मल्टीपल ग्रेनेड्स कर रहे हैं और ये ग्रेनेड क्या क्लोज होगा। जी हाँ, क्लोज हुआ भी है। आरू को टेक डाउन करने में कामयाब। इस चैंपियनशिप के भी प्रबल दावेदार आईकू सोल रहने वाले, जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं, वही दूसरी तरफ आरके एडमिनो वो डाउन किए जाएंगे। मेटल के टॉप पर वो व्हीकल लेकर के सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, एजिस्पुन को स्पॉट किया गया, बट पैराडॉक्स उनका भी बेहतरीन रिटेलिएशन आएगा और अब डीएस के रीडॉक्स के कंधों पे जिम्मेदारी। इसकी बात करें एक डिफरेंट एंगल से जरूर स्काउट करने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, बट संयम का बढ़िया ग्रेनेड रीडॉक्स को डाउन किया गया। रेडॉक्स को वहां पे खत्म किया जाएगा और अब इकलौता प्लेयर देखते हैं कितने अच्छे पॉइंट्स यहां पे निकाल के जा सकते हैं। गमला बॉय दूसरी तरफ मुश्किल में डालेंगे, न्यू भी वहां पे खत्म होते हुए हमें देखने को मिल चुके हैं। वहां पे और मुश्किलें बढ़ाई जाएगी एफएस की, बट स्कर्ल्स के लूसिफर उन्होंने स्पॉट किया, पावर को टेक डाउन किया जरूर है, बट क्या बेहतर प्ले रॉनी का, थोड़ा ओवर पीक किया जरूर और उसका भुगतान थोड़ा भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि रिवाइवल क्या वो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि तीन खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं टीम आईकू सोल के। इकलौता खिलाड़ी मान्या यहाँ पे बचा है, क्या उम्मीदें भी यहाँ पे खत्म हो सकते हैं उस हैशटैग वन के लिए, उस चैंपियन के लिए, क्योंकि लुसिफर यहाँ पे बात करें तो काफी आसानी से जाएंगे और उससे पहले ही वहां पे मान्या प्ले जोन का शिकार होते हुए क्या आखिरी चिकन डिनर भी ओआर के पास जा सकता है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन बात करी है आपने, शुरुआत चिकन डिनर के साथ, अंत क्या कर पाएंगे, बट पुकार और सौम्यराज की जोड़ी बेहतरीन स्पेस जाएंगे और मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स पूरी तरीके से बैकफुट पर और एंटिटी चाहती है, दे आर लुकिंग हंग्री फॉर द फिनिशेस। दूसरी तरफ स्कर्ट्स को स्पॉट किया जाएगा ओआर के प्रो के द्वारा। ये एक खिलाड़ी है जो ओआर से बहुत अलग लेवल पे चमकता हुआ नजर आ रहा है। सर्कल में जाने की वो कोशिश जरूर करेंगे और उसके लिए देखिए मल्टीपल स्मोक किया गया, लेकिन सौम्यराज को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। गमला बॉय ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा वो कवर फायर दे पाए ताकि पुकार एक चांस बने कि वहां पे सौम्यराज को रोल बढ़ाते जा रहे हैं। अपोनेंट्स के लिए बहुत मुश्किलों का वो सबक हो सकता है क्योंकि चारों खिलाड़ी, और ऐसे में आप देखिए एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा बाहर था पुकार के लिए, एक अच्छा मौका, लेकिन पुकार ने वहां पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी। टैप भी वहां पे डाउन हो गया, एडमिनो जाएंगे, एडमिनो को भी यहां पे नॉकआउट किया गया। बचे हुए केवल दो खिलाड़ी प्रो और रॉबिन, क्या संभाल सकते, ट्राई तो कर रहे, बट प्रो एक अच्छे खासे एरिया में, प्रो ने इनकी पोजिशन अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, इसका फायदा उठाया जा सकता है। गॉड्स रेन रेन सुप्रीम करने वाले इस मुकाबले में, और वो जो चिकन डिनर की कमी थी मुझे लगता है वो पूरी तरीके से पूरी करेंगे। मैन एडवांटेज उनके पास है, एक 4v2 की सिचुएशन, रॉबिन आईजीएल वो आगे बढ़ेंगे जरूर, डेस्ट को उन्होंने स्पॉट किया लेकिन उससे पहले, और देखेंगे कौन है वो एक महारथी टीम जिन्होंने सबको परास्त किया और वो रहने वाली है एंटिटी गेमिंग। मुकाबले में कौन सी टीम कहां पर पहुंची है, कौन सी टीम कितने अंक लेके गई है, एंटिटी गेमिंग वो कौन कौन सी टीमें रही जो कि कितने अंक निकालने में कामयाब हुए, उनमें से अगर आप देखें तो डीएस इस पूरे ओवरऑल स्टैंडिंग में चैंपियन तो पता चल चुका है, बट दूसरे तीसरे स्थान पे कौन है, बट प्रोडक्शन से चैंपियन बने और रनर अप रहे तो कितने पॉइंट से, वो रनर अप रहे तो वो रहने वाले एंटिटी गेमिंग। जो हम सब आपसे लेंगे विदा और मिलेंगे आप लोग से बहुत ज्यादा जल्दी, तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।